अभी जो एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेंज एंड इंटरवल्स। तो हायर मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेंज एंड इंटरवल्स। तो इसको आपने ध्यान से देखना है और देखते हैं कि ये है क्या रेंज एंड इंटरवल्स। देखिए आपका, जैसे आपका एक आता है, कभी आपने देखा है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन फाइव, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थ्री एंड लेस देन सिक्स, आर एक्स इज ग्रेटर देन फाइव एंड लेस देन टेन, कुछ इस तरीके से टर्म्स आपके पास आती हैं। तो ये जो टर्म्स क्या कहती हैं कि जैसे पहले वाला देखो कि इनकी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा है और पांच से कम है। सेकंड का मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये साइन होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थ्री और लेस देन सी, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है माइनस तीन के बराबर हो सकती है या उससे ज्यादा या फिर लेस देन सिक्स। ऐसे ही थर्ड पे एक्स इज ग्रेटर देन फाइव एंड लेस देन सिक्स, जब इक्वल टू का साइन साथ में नहीं आता तो फिर हमारे को यानी कि वो वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। तो ऐसा हमने सिंबल्स में आपको बताया था कि जो सिंबल्स हैं आपके, ये आपका इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू का है, ये हो गया आपका इक्वल टू का साइन। ये जो हमने एक सिंबल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने सारे बताए थे सिंबल्स क्या होते हैं। तो जिसने अभी नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें। और ऐसे ही ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब होता है, यानी कि ये जो सिंबल है ये कहता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि इक्वल भी हो सकता है या फिर उसके ग्रेटर हो सकता है। ऐसे ही ये जो सिंबल है ये कहता है ओनली ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा हो सकता है, बराबर नहीं, ग्रेटर देन। और फिर ऐसे ही ये वाला जो सिंबल है तो ये होता है कि लेस देन आर इक्वल, यानी कि छोटा भी हो सकता है उससे या फिर उसके बराबर, और केवल नीचे लाइन ना हो तो क्या कहलाएगा, ये केवल होगा लेस देन, यानी कि केवल छोटा हो सकता है। तो इस तरह के ये जो सिंबल्स जो हैं ये हमारे को डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो कहां से चल करके और कहां तक जा सकती है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रेंज एंड इंटरवल्स। अब इस रेंज एंड इंटरवल्स को हम नंबर लाइन की सहायता से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आगे देखते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी कहां यूज में होता है। नाउ डिपेंडिंग कि आपकी वैल्यूज जो हैं वेरिएबल की वो कहां से लेकर के कहां तक होती हैं, और या फिर जो वैल्यूज जो एंड पॉइंट्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली जो है हमारे जो इंटरवल्स हैं वो हमारे चार तरीके से डिवाइड होते हैं। उसमें से पहला है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल देखिए, सपोज आपकी जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू, सपोज मैं कहूं कि इट इज ग्रेटर देन सिक्स बट लेस देन टेन, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल एक्स की वैल्यू है वो सिक्स से ज्यादा है और टेन से कम है, लेकिन सिक्स इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ऐसे इंटरवल्स को हम कहते हैं ओपन इंटरवल, और इसको ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं जो सिक्स टेन, ठीक है, सिक्स टेन, राइट, यानी कि सिक्स से लेकर के टेन तक इसकी वैल्यू है। और अगर नंबर लाइन पर देखें इसको तो नंबर लाइन पे आपको मालूम है राइट साइड में ये प्लस इंफिनिटी होता है, लेफ्ट साइड में आपका माइनस इंफिनिटी होता है। तो अगर आपका ये आपका सिक्स है और ये आपका टेन है तो आपकी ये जो वैल्यूज हैं सिक्स और टेन, यानी कि ये ग्रेटर देन सिक्स, यानी कि इस सिक्स से चल करके और कहां तक जानी है, लेस देन टेन, टेन तक जानी है। तो
तो इसमें जो हम नंबर लाइन पे जब ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सर्कल लगाते हैं जो उसके एंड पॉइंट्स है, दीज 6 एंड 10 दीज आर दी एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये जो आपकी एंड है, जो एक्सट्रीम्स है रेंज की, जो आपके इंटरवल्स की या रेंज की जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको बोलते हैं एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यानी कि वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो हम जो है वो सर्कल जो है वो ओपन सर्कल लगाते हैं, यानी कि एक सर्कल जिसको कि पूरा भरा हुआ ना हो वैसे लगाते हैं। सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो है, इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज हुई ग्रेटर देन 6 का मतलब ये यहां से लेकर के और 10 तक ये आ जाएगा, दिस इज दी रेंज ऑफ दिस सेट, दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यूज कहां से कहां आ जाएंगे इसकी, 6 से लेकर के 10 तक। ठीक है ना, ओपन मिरर 6 एंड 10 आर नॉट इंक्लूडेड। ऐसे सेकेंड आपका हो सकता है कि लेफ्ट साइड ओपन, राइट साइड क्लोज, लेफ्ट साइड ओपन राइट साइड क्लोज। इसका एग्जांपल देखो, सपोज आपकी इसी को ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड ओपन है ग्रेटर देन 6 बट इट इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि 6 जो है वो एंड पॉइंट वो इंक्लूडेड नहीं है बट 10 जो है वो इंक्लूडेड है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड ओपन एंड राइट साइड क्लोज। तो ब्रैकेट की फॉर्म में इसको हम लिखते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड ओपन है, तो ये आपका जो ये वाला ब्रैकेट साइन है ये वाला आ जाएगा और 10 में आपका जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट जो बोलते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि राइट साइड आपका क्लोज है तो हमने इसको क्लोज कर दिया। और नंबर लाइन पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये आपका अगर 6 है ये आपका 10 है तो हम क्या करेंगे, ये 6 से आपका ओपन और क्लोज के लिए हम इसको पूरा का पूरा फिल कर देंगे, फिल्ड सर्कल। ठीक है, तो ये यहां से लेकर के और फिल्ड सर्कल तक आपका हुआ। ठीक है, तो फिल्ड क्लोज के लिए हम फिल्ड सर्कल यूज करेंगे और ओपन के लिए जो आपका अनफिल्ड सर्कल जो है इंटरवल के लिए यूज करेंगे। सो थर्ड टाइप ऑफ जो आपका इंटरवल है वो आपका आएगा लेफ्ट साइड क्लोज, लेफ्ट साइड क्लोज एंड राइट साइड ओपन, राइट साइड ओपन। लाइक आपका एक्स इज लेफ्ट साइड क्लोज है ग्रेटर देन आर इक्वल टू सपोज 6 एंड लेस देन 10, तो जो आपका राइट साइड है वो ओपन है तो उसमें आपका इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो ब्रैकेट की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड आपका क्लोज है तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी 6 और जो आपकी कर्ली ब्रैकेट है, सॉरी ये वाली ब्रैकेट, ये आपकी राइट साइड में आ जाएगी जो कि आपका इंटरवल ओपन है। और नंबर लाइन पे इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 10 हो गया, तो जो लेफ्ट साइड क्लोज वाला है वो फिल्ड सर्कल हो जाएगा और राइट साइड में आपका ओपन सर्कल हो जाएगा। तो ये आपकी इसकी इंटरवल आपका आ जाएगा या रेंज आ जाएगी वैल्यूज फॉर वेरिएबल एक्स That is greater than or equal to 6 and less than 10. Fourth आपका आ जाएगा क्लोज, यानी कि both side closed, close interval. Simply close लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि ये both side closed है। ठीक है, तो both side closed के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x is greater than or equal to 6, less than or equal to 10. दोनों तरफ आपका equal to का sign आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ क्लोज है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट। और नंबर लाइन पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पे आपका ये 6 और ये 10 दोनों में ही आपका फिल्ड सर्कल आएगा, दोनों एंड पॉइंट्स पे आपका फिल्ड सर्कल आएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्लोज्ड इंटरवल एट बोथ दी साइड्स।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल्स बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो इस प्रकार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस को, स्पेशली जो एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें इनइक्वालिटीज होती हैं, सॉल्विंग दी इनइक्वालिटीज एल्जेब्रिक इक्वेशंस, जो कि हम आगे, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये वाली आपकी जो रेंज जो डिफाइन करना है और उसके इंटरवल्स डिफाइन करना है, कैसे हमने उसको नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करना है, द रेंज एंड द इंटरवल्स क्लोज या ओपन इंटरवल्स, तो ये सीखना जरूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड द रेंज एंड इंटरवल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एक एग्जांपल लिया है हमने, ये एग्जांपल जिसमें की है कि राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल फॉर्म एंड आल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि ये हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने इंटरवल की फॉर्म में यानी कि ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फिर उसको नंबर लाइन के ऊपर भी दिखाना है कि कैसे है। तो लेट अस सी कि पहला जो आपका है उसमें है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि x एक रियल नंबर है, और सेकंड कंडीशन दी हुई है दैट इज x इज ग्रेटर देन माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 5। तो पहले तो इसको देखेंगे कि ये आपका लेफ्ट साइड जो है वो आपका ओपन है, राइट साइड आपका क्लोज है। तो लेफ्ट साइड आपकी जो है आपकी ये वाले पेरेंथेसिस वाली ब्रैकेट लगेगी और इसका इंटरवल जो है माइनस टू है, और फिर कोमा डाल करके आपका जो राइट साइड वाली जो ब्रैकेट है वो क्लोज लगेगी, दैट मीन्स ये वाली ब्रैकेट लगेगी और इसका इंटरवल जो है वो 5 है। सो इस तरीके से इसको हम इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विद इन दी ब्रैकेट्स। ठीक है, क्लोज साइड में आपकी स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन साइड में आपकी पेरेंथेसिस वाली जो ब्रैकेट है वो लगेगी। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, सपोज ये आपका माइनस टू है, हमें जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये भी देखना है कि कौन सा नंबर आपका लेफ्ट में आएगा कौन सा राइट में आएगा। तो जो आपको मालूम है जो लोअर नंबर्स हैं इनकी जिसकी वैल्यू छोटा नंबर है वो लेफ्ट में आएगा, बड़े वाला नंबर राइट में आएगा। तो इसमें माइनस टू और फाइव में माइनस टू लेफ्ट में आएगा और फाइव आपका राइट में आएगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि जो ओपन इंटरवल है उस पॉइंट पे आपका ओपन सर्कल लगेगा, जो क्लोज इंटरवल है उस पे आपका एक फील्ड सर्कल लगेगा, यानी कि ये फील्ड सर्कल दर्शाता है कि वो वाला एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड है आपकी रेंज में, और जो ओपन सर्कल वो दिखाता है कि वो वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपका समझ लीजिए ये इंटरवल हो गया, ये रेंज हो गई आपकी माइनस टू से फाइव, फाइव इज इंक्लूडेड माइनस टू इज नॉट इंक्लूडेड, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरवल ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि x एक रियल नंबर है और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स में आपका इक्वल टू भी है, तो यानी कि ये क्लोज इंटरवल होगा और क्लोज इंटरवल होगा तो दोनों तरफ जो है ब्रैकेट आपकी स्क्वायर लगेगी, और आपका लेफ्ट में जो आपका एंड पॉइंट है वो आपका है माइनस थ्री और राइट में जो एंड पॉइंट है वो है आपका है प्लस 3। तो इस तरीके से इस इंटरवल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे देखिए हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड पॉइंट्स जो है छोटा है कौन सा है और बड़ा कौन सा है, छोटे वाला माइनस 3 है और बड़े वाला प्लस 3 है, तो प्लस 3 राइट साइड में आएगा माइनस 3 लेफ्ट में आएगा। अब चूंकि दोनों पॉइंट्स जो है आपके क्लोज हैं इक्वल टू हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो दोनों एंड पॉइंट्स में आपके फील्ड सर्कल लगेंगे। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट्स पे आपके फील्ड सर्कल लगा दिया और ये आपकी इसकी एरो लगा दीजिए, यानी कि आप यहां भी कर सकते हैं ऐसे, यहां से लेकर के ये पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों ही क्लोज हैं, दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए दोनों में फील्ड सर्कल लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, इसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करना हमने, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको जो है रेंज की इंटरवल की फॉर्म में उसमें दिए हुए हैं। तो पहले वाला देखिए हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो सेट को स्टार्ट करते हैं विद द कर्ली ब्रैकेट
और उसमें एक एलिमेंट जनरल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, और फिर एंड जो ओपन इंटरवल है इसकी वैल्यू जो वेरिएबल की एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है ग्रेटर देन माइनस फाइव, और राइट साइड में क्लोज इंटरवल है तो यहां पे आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू थ्री। एंड टी सेट बिल्डर फॉर्म को क्लोज करने के लिए आपका राइट वाली कर्ली ब्रैकेट, और ये हो गया ना एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वेरिएबल जो है दैट इज ओपन इंटरवल है ग्रेटर देन माइनस फाइव, राइट साइड में क्लोज है तो राइट साइड में आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू थ्री। ऐसी सेकंड वाले में देखिए क्या है आपका एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर दैट मीन्स रियल नंबर एंड दोनों तरफ क्लोज है, दोनों तरफ क्लोज है तो हमारे पास दोनों तरफ जो है साइन आ जाएगा ये वाला दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री एंड लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है तो सेट बिल्डर की फॉर्म में हम उसकी वैल्यूज कर सकते हैं, और अगर आपका जो दिया हुआ है इस प्रकार से, और अगर नंबर लाइन पे भी इसको रिप्रेजेंट करना हो, या अगर आपको नंबर लाइन पे दिया हो नंबर लाइन से जो है आप इंटरवल फॉर्म में भी कर सकते हो, नंबर लाइन से सेट बिल्डर की फॉर्म में भी कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि इसको नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे आएगा, ये माइनस फाइव लेफ्ट वाला जो आपको एंड पॉइंट है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, राइट वाला एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, ये चेक करना है कि कौन की तरफ का क्लोज है कौन की तरफ का ओपन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड ओपन है राइट साइड क्लोज है, तो जो ओपन है उसके ऊपर ओपन सर्कल लगाना है, जो क्लोज है उसके ऊपर आपने फिल्ड सर्कल लगाना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फिल्ड सर्कल राइट साइड में, तो भी राइट साइड में इसका क्लोज है, फिर ये आपने एरो करके ये आपका इंटरवल हो जाएगा जीरो सॉरी माइनस फाइव से थ्री। इसमें माइनस फाइव जो है इस रेंज में इस इंटरवल में इंक्लूडेड आपका नहीं है जबकि थ्री इंक्लूडेड है। तो सेकंड वाले में आप दिक्कत देखिए दोनों तरफ आपका क्लोज है, तो एक पॉइंट लेफ्ट साइड में थ्री और राइट साइड में आपका ट्वेल्व हो गया, तो दोनों तरफ ही आपका फील्ड सर्कल लगेगा क्योंकि दोनों पॉइंट जो है इस रेंज में इस इंटरवल में इंक्लूडेड है, तो दोनों तरफ क्लोज कर दिया हमने, तो ये आपका बन गया जो है जो रेंज या इंटरवल इस पर्टिकुलर सेट की वो थ्री से ट्वेल्व के बीच में। तो अब आप जो है आपके जो एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने आप, और जो भी आपको नहीं आता है एज यूजुअल आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं इस कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको अलग से दूंगा ही। थैंक यू।